तो मैंने बस अभी अभी इस पूरे पावर रैक को अनबॉक्स किया है, सीज का नया हाफ रैक। चलो पहले इसको मैं लगाता हूँ, उसके बाद इसके बारे में मैं आप लोगों को और भी बताता हूँ। ओके, तो फाइनली जैसे आप देख सकते हैं रैक बन के हो चुका है रेडी। एंड भाई लिटरली ये इधर एक पत्थर की तरह बैठ गया है, कुछ हिल ही नहीं रहा। बट चलो अब थोड़ा सा इस पे स्क्वाट्स और बेंच प्रेस करके देखते हैं कैसा लगता है, कैसे ये स्पॉटर आर्म्स होल्ड अप कर रहे हैं। चलो देखते हैं। भाई ये जो स्पॉटर आर्म्स है भाई इतने हेवी है, बाप रे बाप, आपको दो हाथ तो लगेगा ही इनको एडजस्ट करने में भाई। अब इस रेप को फेल करेंगे, ठीक है। रैक के एकदम भी हिला मुझे लगता ही नहीं, वीडियो फुटेज चेक करना होगा। वेट, मैंने अभी फुटेज चेक किया, रैक भाई एकदम भी नहीं हिला, बस थोड़ा सा वाइब्रेट हुआ था। यानी बेंच प्रेस करके देखते हैं, अभी इस रैप को फेल करेंगे, ठीक है। ऑफकोर्स बेंच प्रेस में तो कुछ भी नहीं हिल रहा भाई, बाप रे बाप। ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस्ड इन दिस रैक वाज भाई इसका स्टेबिलिटी। जब मैं इसको सेटअप कर रहा था तभी मेरे को यार यू नो 3 इंच बाई 3 इंच स्टील इतना ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू माई 2 इंच बाई 2 इंच जो स्क्वाट रैक है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड ये जो पीछे आप दो एक्स्ट्रा अपराइट देख रहे हैं बेसिकली वेट प्रेस लगाने के लिए, ये भी बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। यू नो ये रैक कितना स्टेबल है मैं आपको लिटरली समझा नहीं सकता। मैं अभी आपको कुछ टेस्ट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये रैक कितना स्टेबल है। बट मेनली ये रैक कितना स्टेबल क्यों, इसका बिल्ड क्वालिटी क्या है वो मैं आपको पहले बताता हूँ, ठीक है। चलो इस पूरे रैक की अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें, दिस इज मेड आउट ऑफ 3 इंच बाई 3 इंच ट्यूब के स्टील। ये जो मेरा पुराना वाला स्क्वाट रैक है ये बेसिकली 2 इंच बाई 2 इंच का बना है, वेराज ये 3 इंच बाई 3 इंच का बना है। एंड एक्चुअली सामने इट्स अ बिग डिफरेंस, यू नो सिर्फ 1 इंच स्टील से ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा लगता है आई वुड से एज कम्पेयर टू माई स्क्वाट रैक। ये जो आप कैमरा पे उतना नहीं समझ पाएंगे बट सामने ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा और हैवी ड्यूटी और मोटा लगता है, ऑफकोर्स बिकॉज 3x3 स्टील है। एंड यू नो 3x3 स्टील के वजह से ही इतना जो स्टेबिलिटी आपको मिल रहा है। ये 3 इंच बाई 3 इंच तो है ही, बट उसके ऊपर दिस इज ऑल्सो मेड फ्रॉम 11 गॉज स्टील, ठीक है। 3 इंच बाई 3 इंच विद एन 11 गॉज स्टील ट्यूब, इसकी वजह से इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा है आपको, अल्टीमेट स्टेबिलिटी भाई। बट मैं आपको अभी ये मेजर करके भी दिखा देता हूँ कि एक्चुअली 3 इंच बाई 3 इंच स्टील है कि नहीं, उसके लिए भी मेरे पास एक मेथड है, चलो दिखाता हूँ। स्टील का जो गॉज थिकनेस होता है वो अगर आपको मेजर करना नहीं आता, आपको ऐसा एक वर्नियर कैलिपर लगेगा। इसको आपको बेसिकली अगर मैं इस वर्नियर कैलिपर को यहाँ पे लगा के अगर इसका थिकनेस मेजर करने की कोशिश करूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा एक हाथ से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। अगर मैं प्रेशर दूँ अराउंड 3 mm, आप इस चार्ट से कंपेयर करें एज यू कैन सी कि 2.93 mm अराउंड आपका 11 गॉज स्टील ही आता है। इंडिया में ज्यादातर मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं वो आपको बोलते थे देखिए दिस इज एन 11-12 गॉज स्टील, बट इन रियलिटी दे आर गिविंग यू 14-16-18 गॉज स्टील। पर ज्यादातर लोगों को मेजर करने नहीं आता कि स्टील का गॉज थिकनेस कैसे मेजर करे, तो वो पकड़ भी नहीं पाते। अगर आपके घर में एक स्क्वाट रैक है ऐसे ही आपके स्क्वाट रैक को मेजर कर सकते हो और देख सकते हैं कि कितने गॉज का स्क्वाट रैक है। एक और बड़ा रीजन कि ये रैक इतना स्टेबल है इज इसके जेकब्स और जो स्पॉटर आर्म्स है। यू नो रैक ने आपने देखा कि 3 mm थिक स्टील से बने हैं, बट जेकब्स और स्पॉटर आर्म्स गाइज ये 8 mm थिक स्टील से बने हैं। वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यू कैन सी हियर 8 mm जेकब्स, और अगर हम स्पॉटर आर्म्स को मेजर करें हियर यू कैन सी 7.8 mm, तो लगभग 8 mm ही पकड़ सकते हैं। यू नो 8 mm स्टील इज लिटरली द थिकेस्ट स्टील दैट यू कैन फाइंड। एंड अगर आप इन स्पॉटर आर्म्स को ऐसे निकालेंगे और ऐसे हाथ में, बाप रे गिर ना जाए, ऐसे हाथ में पकड़ेंगे आपको समझ में आएंगे कि बहुत ही ज़्यादा हैवी है ये, बस बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्यूटी है भाई, बाप रे। आई कांट मेक यू, जब तक आपको हाथ में पकड़ेंगे नहीं इसका वेट आपको समझ में नहीं आएगा, इट्स वेरी हैवी ड्यूटी भाई। स्पॉटर आर्म्स और जेकब्स के ऊपर जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे आपको एक UHMW प्लास्टिक मिलता है, ये जो बोल्ट से लगा हुआ है, ये प्लास्टिक आपका बेसिकली बारबेल को बचाता है। एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो बारबेल मार्क्स है, मैंने जो अभी बारबेल ड्रॉप किए थे, मेरे बारबेल का नर्लिंग भी खराब नहीं होगा और इस रैक को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये ऐसे UHMW प्लास्टिक आपके बारबेल के नर्लिंग को आराम से बचा लेते हैं भाई, इट्स लिटरली अ गेम चेंजर भाई। एंड बहुत ही कम कंपनीज ये एक्चुअली डाल रही है। एंड अनदर गुड थिंग अबाउट सीज रैक्स कि ये सिर्फ आपके जेकब्स के ऊपर UHMW प्लास्टिक यूज नहीं कर रहे,
बट इसके पीछे जहाँ पे रैक कनेक्ट होगा, बेसिकली ये रैक और ये जेकअप जहाँ पे कनेक्ट होगा, यहाँ पे भी ये लोग ऐसे UHNW प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं ताकि आपके रैक पे, जैसे आप देख सकते हैं, आपके रैक पे भी कोई स्क्रैच वगैरह कुछ भी ना आए, डायरेक्ट मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट ना आए. इट्स जस्ट डिटेल्स दैट मैटर एंड ऑनेस्टली वेरी वेरी इंप्रेस्ड बाय ये. सेम चीज़ आपको जेकअप्स और स्पॉटर आर्म्स दोनों में ही देखने के लिए मिलते हैं. यहाँ पे आप एक वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे सीज ने इन जेकअप्स और स्पॉटर आर्म्स पे 1000 केजी तक का लोड कैपेसिटी किया हुआ है. ऑनेस्टली मैं इस होम जिम में कोई मीनिंगफुल टेस्ट आपको करके नहीं दिखा पाऊंगा, बिकॉज 50-100 केजी इन जेकब्स का क्या ही हो जाएगा भाई, 1000 केजी तक ले सकते हैं भाई. एब्सोल्युटली इनसेन भाई. आई हैव नॉट सीन एनी अदर मैन्युफैक्चरर डूइंग अ स्ट्रेस टेस्ट एज हाई एज 1000 केजी, 1 टन भाई. क्या आप सोच सकते हैं? इनसेन टू थिंक अबाउट. ड्रॉप टेस्ट बहुत लोगों ने किए हैं 400-500 केजी के साथ, बट 1 टन के साथ, That's unheard of, भाई. ओ, एक और छोटा सा चीज जो मैं आपको बताना ऑलमोस्ट भूल ही रहा था, आपको इन स्पॉटर आर्म के साथ ये जो एक पिन लॉक भी मिलता है, ये बेसिकली जैसे आप देख रहे हैं कि स्पॉटर आर्म एक साइड से उठ जाता है, राइट. तो अगर आप इन पिन लॉक को ऐसे पीछे से लगा दे, उसके बाद ये स्पॉटर आर्म्स आपके नहीं उठेंगे और भी ज़्यादा स्टेबल रहेंगे. ऐसे ही स्टेबल है, बट यू नो ये एक अच्छा सा फीचर है. उड से द डिज़ाइन ऑफ दिस रैक इज एक्चुअली अ हाफ रैक. मतलब ये जो आप देख रहे हैं दोनों अपराइट्स, ये पूरे फुल लेंथ के हैं, 7 फीट लंबे हैं, बट ये पीछे जो आप ये देख रहे हैं छोटे छोटे, ये तो छोटे छोटे अपराइट्स. इस पे आप बेसिकली ऐसा देख सकते हैं, यहाँ पे आप वेट घुसा के रख सकते हैं, आपके जितने भी वेट प्लेट्स हैं उनको आप ऐसे पीछे रख सकते हैं. आई वुड से दी स्मॉल अपराइट्स आर अनदर बिग रीजन वाई दिस रैक इज सो स्टेबल, बिकॉज अगर ये सिर्फ एक स्क्वाट रैक होता तो इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी आई डोंट थिंक. एंड टुगेदर विद दिस स्मॉल अपराइट्स एंड दिस बिगर अपराइट्स, इसका पूरा टोटल वेट अराउंड 160 केजीज तक आता है. यू नो लाइक इसको आप लिटरली हाथ से कहीं भी, एक्चुअली हाथ से कहीं पर भी मूव नहीं कर सकते. एंड सीज आपको ऐसे 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 वेट पिन आपको रैक के साथ देते हैं, आपको एक्स्ट्रा खरीदने की जरूरत नहीं है भाई. अगर हम अभी अटैचमेंट्स की बात करें दें, इस रैक पे सीज के जितने भी अटैचमेंट्स हैं वो सभी लग जाते हैं, ठीक है. मेरे पास अभी सीज के ग्रिप बार्स है और जो लैंडमाइन अटैचमेंट है वो है. सीज के जो बाकी जितने भी अटैचमेंट्स हैं, जैसे उनके जैमर आर्म्स, उनके पेट्रियट जैमर आर्म्स, वो भी इस पे आराम से लग जाएंगे. सीज के जो डिप बार अडैप्टर्स है जो थोड़े से इन डिप बार्स से ज़्यादा कॉस्ट करते हैं, वो भी लग जाएंगे. आई थिंक दोज आर मच बेटर डिप बार्स एज कम्पेयर टू दिस. ये भी काम चल जाता है, बट आई थिंक दैट इज इवन मच बेटर. सिंपल सीज फिटनेस के वेबसाइट के ऊपर जाओ भाई, वहाँ पे जो अटैचमेंट सेक्शन दिखेगा तुम्हें, वहाँ पे जितने भी अटैचमेंट्स है वो सभी अटैचमेंट्स आपको इस रैक के साथ लग जाएंगे. सीज का जो नया एक पुली सिस्टम वो रिलीज करने वाले हैं, वो भी इस रैक पे लग जाएगा. तो अगर आपको एक पुली सिस्टम भी चाहिए इन द फ्यूचर, और अगर आप ये रैक खरीदते हैं तो आप उस रैक पे सीज का पुली सिस्टम भी काफी आराम से फिट कर पाएंगे. यू नो कुछ और फीचर्स की बात करते हैं अबाउट दिस रैक जो मुझे ऑनेस्टली काफी ज्यादा पसंद आए. पहले तो ये जो होल स्पेसिंग है ये स्टैंडर्ड 2 इंच होल स्पेसिंग है, विच इज़ मोर देन एनफ फॉर बोथ स्क्वाट एंड बेंच प्रेस. उसके ऊपर ये जो आप नंबरिंग देख रहे हैं इसको मैं बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट. इस नंबरिंग से स्क्वाट रैक को एडजस्ट करना, ये जेकअप्स और ये जो स्पॉट आर्म्स है इनको एडजस्ट करना बिकम्स वे वे इजियर. नहीं तो क्या होता है कि इस साइड पे मैंने किस होल पे लगाया उस साइड मैं भूल जाता हूँ, फिर से मुझे गिन के बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है जो मुझे इस हाइड्रा रैक के साथ फेस करना होता है, बिकॉज इस पे कोई नंबरिंग नहीं है. इस पे नंबरिंग आई रियली रियली लाइक भाई, इट्स जस्ट वेरी कन्वीनियंट एंड ईजी टू यूज भाई. मुझे ये नंबरिंग एक्चुअली काफ़ी एक अच्छा फीचर लगा. एंड हर एक होल पे नंबरिंग है, ऊपर के होल्स पे नंबरिंग नहीं है, बिकॉज ऊपर के होल्स पे आप जेकअप्स ऑफ कोर्स नहीं लगाएंगे, बट जितने भी यूजेबल होल्स है ज़्यादातर लोग जिन होल्स को यूज़ करेंगे उन सभी पे नंबरिंग है. आई लव दिस फीचर भाई, एब्सोल्युटली लव दिस फीचर. एक और जो छोटा सा फीचर है दैट आई रियली लाइक, कि यहाँ पे कोई रबर यूज़ नहीं किया गया है, ये पूरा यहाँ से देख रहा है जैसे मेटल से वेल्डेड शर्ट है. इट जस्ट लुक्स वे मोर प्रीमियम. यू नो यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर रबर यूज़ किया गया होता तो उतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगता. यू आर पेइंग अ प्रीमियम फॉर दिस रैक एंड आई वुड से आपको फीचर भी प्रीमियम देखने के लिए मिलते हैं, दोनों तरफ ही एकदम सेम है. और ये जो स्क्वाट रैक्स के ऊपर भी है, ऊपर भी ये पूरा वेल्डेड शर्ट है, पता नहीं आप कितना देख पा रहे होंगे, बट ये भी पूरा शर्ट है तो कोई धूल मिट्टी भी नहीं जाएगा. इट्स अ ग्रेट ग्रेट फीचर. एक और फीचर जो मुझे पसंद है, अभी मैंने जो आपको बोला जो ये टेक्सचर है पुल अप बार के ऊपर, इट्स ऑल्सो ग्रेट. ये मुझे ग्रिप करने में काफी ज्यादा बेटर लग रहा है. एक और जो फीचर है, जैसे आप देख सकते हैं कि फ्लोर रनर्स पे चारों तरफ ऐसे 2 इंच होल स्पेसिंग के ही होल्स लगाए गए हैं. तो अगर आप कोई भी अटैचमेंट लगाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने जैसे देख रहे हैं लैंडमाइन लगाया हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे भी कोई भी अटैचमेंट लगा सकते हैं बॉटम पे, अगर आपको स्पेस सेव करना है, ये भी काफ़ी अच्छा फीचर लगा. एक और जो चीज़ मुझे स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा पसंद आया है इज दिस ट्राइंगल प्लेट्स. यू नो एज यू कैन सी
कि चारों तरफ ही दोनों साइड पे ट्राइंगल प्लेट्स काफी ज्यादा थिक है। इस ट्राइंगल प्लेट्स में भी आई गेस 11 गॉड स्टील यूज कर रहे हैं सीज, यू नो, तो चारों तरफ चारों दिशाओं में ये ट्राइंगल प्लेट्स दिए हैं, तो इसका जो स्टेबिलिटी है वो मेन इसकी वजह से ही है। ये जो आप फ्लोर रनर्स देख रहे हैं ये 48 इंचेस लंबे हैं, और ये जो स्पॉट रनर्स देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि फ्लोर रनर्स के साथ में ही है, ज़्यादा एक्सटेंड करके नहीं है, ताकि जब इसके ऊपर वेट गिरे तो पूरा रैक इधर ऐसे टिप ओवर ना कर जाए। दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट फीचर जो आपको ज़्यादातर रैक्स इन इंडिया में नहीं मिलता, वहाँ पर सिर्फ आपको एक पोज ग्राउंड के साथ कनेक्टेड मिलता है जो स्टेबल होता है, बट आई वुड से दिस इज अ सुपीरियर बिल्ड क्वालिटी। नो मैटर हाउ परफेक्ट दिस प्रोडक्ट इज एंड नो मैटर हाउ मच आई लव दिस रैक, इसके कुछ कॉन्स आई डू वॉन्ट टू हाईलाइट स्टार्टिंग विद स्पॉटर आर्म्स। स्पॉटर आर्म्स का जो लेंथ है दैट इज 18 इंचेस, एंड आई वुड से 18 इंचेस इज द मिनिमम, मतलब इससे अगर छोटा होता, अगर 18 इंचेस से छोटा होता तो वो सही नहीं रहता। आई वुड से 18 इंचेस इज गुड, बट आई वुड हैव लाइक स्पॉटर आर्म्स थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो। हाउएवर ये स्पॉटर आर्म्स 1 टन वेट कैपेसिटी इसीलिए होल्ड कर पाते हैं बिकॉज आई थिंक दे आर 18 इंचेस। जितना ज्यादा लंबा होगा, जितना ज्यादा मूवमेंट आर्म होगा, उतना ही ज्यादा रैक अनस्टेबल होगा। ठीक है, जो हाइड्रो रैक है उस पर भी स्पॉटर आर्म्स का लेंथ 18 इंचेस है। आई स्क्वाट एंड बेंच प्रेस ऑन इट एवरी सिंगल डे, एंड ऑनेस्टली मुझे भी लेने से पहले मैंने सोचा था कि यार स्क्वाट आर्म्स के लेंथ थोड़े से ज्यादा छोटे हैं। द ट्रूथ अबाउट स्क्वाट रैक इज कि आपको इसमें स्क्वाट करना सीखना होगा। जिम में आप बारबेल को लेकर जैसे पीछे भागे चले जाते हैं ड्यूरिंग अ स्क्वाट, वो आप स्क्वाट रैक पावर रैक पे नहीं कर सकते। आपको जो स्क्वाट का परफेक्ट वर्कआउट है वो सीखना होगा। वो अगर सीख गए देन आई थिंक दिस लेंथ इज एनफ एंड दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड यू विद मच बेटर स्टेबिलिटी। इफ सीज एवर हैज टू इंप्रूव समथिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट देन आई वुड से इसका लेंथ अगर ज्यादा बड़ा कर दिया जाए थोड़ा सा ज्यादा 20 इंचेस, देन आई थिंक दिस वुड बी ग्रेट एज वेल। बट ऑनेस्टली सिंस आई हैव बीन स्क्वाटिंग ऑन माई हाइड्रो रैक विदाउट एनी प्रॉब्लम, मैं इस पर कंप्लेन नहीं कर सकता भाई, बिकॉज मुझे ऑनेस्टली कोई प्रॉब्लम नहीं आता, बट आई थिंक दैट यू गाइस शुड नो इट, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट हाईलाइट किया। एक और जो इशूज इन स्पॉटर आर्म के साथ है कि आप इनको ये जो 7 नंबर वाला होल है इससे नीचे आप स्पॉटर आर्म्स को नहीं लगा सकते। अगर आप 6 नंबर होल में स्पॉटर आर्म्स को लगाने जाए देन एज यू कैन सी कि ये स्पॉटर आर्म्स बंद नहीं होते, इधर अटक जाते हैं। 6 नंबर होल्स पे आप जे का भी लगा सकते हैं, बट स्पॉटर आर्म्स आप इस 6 नंबर होल पे नहीं लगा सकते। बेंच प्रेस के लिए तो ठीक है, बट अगर आप रैक पुल्स करना चाहिए देन ये आई थिंक दिस इज टू हाई। रैक पुल के लिए आपको और थोड़ा सा लो चाहिए, बट उसके लिए आई थिंक आप सीट से उनका जो पिन एंड पाइप सेफ्टीज है वो ले सकते हैं। वो आप अगर इस एरिया में इधर पे अगर आप लगा दें देन वहाँ पे आप रैक पुल कर सकते हैं, बट इन स्पॉटर आर्म्स पे रैक पुल आई डोंट थिंक आप कर सकते अगर आप खुद को किसी जगह पे खड़े होकर एलिवेट नहीं कर रहे। एक और जो चीज है जो मैंने नोटिस किया है विच आई डोंट थिंक इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर मोस्ट पीपल, बट फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल, इसकी ये जो आप 25th वाला होल देख रहे हैं, आप इन जेकब्स को मैक्सिमम ये जो 26th वाला होल है इस पे लगा सकते हैं। अगर आप इस 27th वाले होल पे लगाने की कोशिश करें देन ये जेकब्स पीछे से निकलते नहीं, ये चीज बीच में आ जाता है, यू नो, तो 26th होल पे आप इसको मैक्सिमम लगा सकते हैं। और अगर आप बहुत ही ज्यादा लंबे हैं, लेट्स से 6'5" या फिर 6'6" अगर आप लंबे हैं देन यहाँ पे आपका हाइट थोड़ा सा कम हो सकता है। आई एम अराउंड 6 फुट टॉल, अगर प्रिसाइसली बोलो तो 5'11" टॉल, और ये लाइक दिस इज टू मच हाइट फॉर मी टू स्क्वाट। मैं ऑनेस्टली ये 24 वाला जो होल है इससे मैं स्क्वाट करता हूँ। ऑफकोर्स स्क्वाट करते समय बारबेल आपके चेस्ट लेवल पे होना चाहिए, तो अराउंड 6 फुट टॉल आई वुड से मेरे लिए ये 24th होल ठीक है। अब 6'1" या फिर 6'2" भी लंबे है फिर भी आई वुड से ये 25th वाला होल आपके लिए सही लगेगा, उसके ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं होगी। बट अगर आप एक्सट्रीमली टॉल है आपको स्क्वाट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, आपको थोड़ा सा नीचे झुक के स्क्वाट को निकालना पड़ेगा। बट फॉर मोस्ट पीपल लाइक 99% ऑफ पीपल, हम इंडियन ज़्यादा लंबे नहीं होते, तो हमारे लिए आई डोंट थिंक इट्स अ बिग प्रॉब्लम। इवन फॉर मी आई एम अराउंड 6 फुट टॉल, तो ये भी मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। इट्स वेन फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ दिस हाफ रैक। इस हाफ रैक का प्राइस है अराउंड 53,500 इंक्लूडिंग GST, आपको डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा पड़ेगा। एंड एट दैट प्राइस आई थिंक दिस इज अ ग्रेट पावर रैक भाई। कुछ लोगों को लग सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव है, आई वुड से आप इस हाफ रैक को जो और भी इसकी तरह ही जो मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया में सीज की तरह यू नो ऐसे हाई क्वालिटी इक्विपमेंट्स बेच रहे हैं, अब उनके प्राइस के साथ कंपेयर कीजिए, उसका तो प्राइस इससे 20,000-25,000 भी ज्यादा है, यू नो दोस्ट कॉस्ट ऑन 70-75,000।
दिस कॉस्ट 53,000। आई अग्री कि ये बहुत ज़्यादा कम प्राइस नहीं है, बट फॉर वॉट यू आर गेटिंग विद दिस रैक आई थिंक दिस इज अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। इस हाफ रैक का एक्चुअली एक और भी वर्जन आता है, बेसिकली एक हाइब्रिड रैक है। दिस इज हाउ दिस हाइब्रिड रैक लुक्स। बेसिकली उसमें और इसमें जो डिफरेंस है कि उस हाइब्रिड रैक में आपको एक मल्टी ग्रिप पुल अप बार भी मिल जाता है और जो पीछे वाले अपराइट्स है वो सारे अपराइट सेम हाइट के। हाइब्रिड रैक आई गेस इससे अराउंड 5-6,000 ज्यादा एक्सपेंसिव है, वो अराउंड 58,000-60,000 है, ये अराउंड 53,000-54,000 है। तो अगर आपको एक मल्टी ग्रिप पुल अप बार भी चाहिए देन यू कैन ऑप्ट फॉर दैट, बट अगर आपको एक मल्टी ग्रिप पर नहीं चाहिए यू कैन सेव 6,000 एंड गेट दिस रैक। बोथ ऑफ दिस रैक्स, बोथ ऑफ दीज आर हाफ रैक्स, बोथ ऑफ दीज आर अमेजिंग फॉर द प्राइस। यू नो इनको एक पावर रैक जैसा ही स्टेबिलिटी चाहिए इन देयर रैक, बट उनको ज्यादा स्पेस नहीं है, मतलब वो एक पावर रैक अपने रूम में फिट नहीं कर पाएंगे, स्टेबिलिटी पे एकदम भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बट अगर आपके घर में उतना ज्यादा स्पेस नहीं है कि अभी पूरा सीच का जो मैमथ पावर रैक है वो घुसा दे, देन आई थिंक सीच का ये जो हाफ रैक है दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली ग्रेट। दिस इज द सीच डेमन हाफ रैक एंड ऑनेस्टली इसको अनबॉक्स करते यूज करते आई हैव फॉलन इन लव विद इट भाई। आई एब्सोल्युटली लव दिस क्वाड रैक एंड 100% प्रेफर दिस क्वाड रैक ओवर माई हाइड्रा स्क्वाड स्टैंड। दिस इज जस्ट दिस इज जस्ट प्रीमियम, दिस इज जस्ट अमेजिंग। और जो कुछ छोटे मोटे इधर उधर फ्लॉज है ऑनेस्टली दे आर नॉट अ बिग डील फॉर मी एंड आई एब्सोल्युटली लव दम भाई। आई एब्सोल्युटली लव दिस रैक, एब्सोल्युटली रिकमेंड यू दिस रैक भाई, अमेजिंग। अगर आपको अभी इस रैक को खरीदना है यू कैन यूज माई कूपन कोड रहा 1000 टू गेट सम एडिशनल डिस्काउंट्स ऑन दिस रैक, या फिर आपको ऐसा एक फ्री लाइनमैन अटैचमेंट भी मिल सकता है, ये आपका चॉइस है कि आपको डिस्काउंट चाहिए या फिर अटैचमेंट चाहिए, वो आप सीट से बात कर लेना। ऑनेस्टली मैं अभी इसको डेली यूज करने वाला हूँ, मैं अभी भाई मेरे हाइड्रा स्क्वाड रैक को अभी बाहर रखने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू बी यूजिंग इट, आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस रैक फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। आई एब्सोल्युटली लव दिस रैक भाई, यू कैन जस्ट सी द हैप्पीनेस इन माई फेस। यू नो इट्स अ प्रीमियम इक्विपमेंट भाई, इट्स लिटरली अ प्रीमियम इक्विपमेंट एंड आप जो 50,000 रुपए दे रहे हैं यू गोइंग टू फील कि आपका मनी एब्सोल्युटली वर्थ इट हुआ है। आपको इसमें लाइफ टाइम वारंटी भी मिलता है, अगर रैक को कुछ भी हो गया विच ऑफकोर्स कुछ होगा ही नहीं, बट फिर भी आपको इसमें लाइफ टाइम वारंटी मिलता है। इट्स अमेजिंग, जो 50,000 खर्चने वाले हो देयर गोइंग टू बी वेल वर्थ इट। एक सारा जीवन की इन्वेस्टमेंट की तरह देखो, एब्सोल्युटली लव इट। अगर आप किसी को खरीदना है चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे मेरा कूपन कोड भी रहेगा, मेरा कूपन कोड आप सीच के वेबसाइट पे या फिर उनको इंस्टाग्राम पे भी DM करके बोल सकते हैं। मैं उनके वेबसाइट का लिंक और उनके इंस्टाग्राम का दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना भाई।